एक गैर मुकल्लिद मुझे कहता है बहुत जमाना हो गया, हम तो सियाह सित्ता भी नहीं मानते। मैं नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप कौन है? कहते मैं आहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हिंदुस्तान में जिसने आपका नाम आहले हदीस अंग्रेजों की चापलूसी करके अलाट कराया है उसका नाम मालूम? कहने लगा कि नहीं। मैंने कहा आप अलाटेड जिस जगह से है वो तारीख मुझे पता है। इनको कोई जाहिरी कहता था, कोई इब्ने हजमी कहता था, कोई दाऊदी कहता था, कोई लामजहब कहता था। तो नवाब सिद्दीक हसन खान कन्नौजी ने जब भोपाल के नवाब आए अंग्रेज से कहा अगर आप अंग्रेजी सरकारी कागजात में हमारे नाम के साथ आले हदीस लिखे तो बड़ी मेहरबानी। अंग्रेज आहले हदीस अंग्रेज लिमिटेड, किताब का नाम रखो, ऐसी हवाई बातें नहीं चलती। नवाब सिद्दीक हसन खान का बेटा है अब्दुल मजीद हसन खान, उसने अपने वालिद की सीरत लिखी है, उसका नाम है माआसिरी सिद्दीकी, उसमें ही वाक्य लिखा है अपने वालिद के फजाइल। क्या आज आले हदीस मेरे अब्बा को नहीं मानते? इनका तो कोई नाम नहीं था, मेरे वालिद ने अंग्रेजों से आले हदीस इलाट कराया। माआसिरी सिद्दीकी नवाब सिद्दीक हसन खान कन्नौजी के बेटे की लिखी हुई आम मिल रही है गैर मुकल्लिदों के मकतबा से। मैंने कहा नवाब साहब ने किताब लिखी है और उसका नाम है अलहिता फी जिक्र सिहाह सित्ता। आप कहते हैं सिहाह सित्ता नहीं मानो, हजरत फरमाते हैं जो सिहाह सित्ता ना माने वो बेदीन द्वाल मुद्दिल और हक से माहरूम आदमी। सिहाह सित्ता तो मानना पड़ेगा आपको।